वो सिचुएशन होती है जब एक पैर इंडिया में होता है एक पैर नेदरलैंड्स में होता है, तो बहुत कंफ्यूज होते हो कि हाँ कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए. यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन वैक्सीनेशन जो तुम्हें चाहिए इंडिया में बच्चों के बच्चे के फ्यूचर में रहने के लिए, या फिर यू नो जब तुम इंडिया में वेकेशंस पे जाते हो उसके लिए. हेलो एवरीवन, हमारे इस चैनल प्रेसपी व्लॉग्स में आपका स्वागत है. तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. मुझसे काफ़ी मॉम्स ने पूछा था एंड हमको भी शुरू में बहुत कंफ्यूजन रहता था. बच्चे खाली नेदरलैंड्स में रहते हैं, अगर यहीं बॉर्न है उनको यहीं पे रहना है तो इट्स वेरी इजी कि उस कंट्री का तुम वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो. बट इन 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 केस इफ योर बेबी और किड नीड्स टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर वेकेशंस, कंसिडर करना पड़ता है वैक्सीनेशन के टाइम पे कि यू आर नॉट मिस. के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है टू एलिमिनेट दैट कन्फ्यूजन कि कौन सी वैक्सीनेशन इंडिया जाके लगवानी चाहिए, कौन सी नेदरलैंड्स में लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए. एंड ऑल्सो वैक्सीनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज, तो आप इंश्योर करें कि कोई भी वैक्सीनेशन बच्चे के लिए मिस आउट ना करे. ये जो मैं वीडियो है वो 0 से लेके 14 मंथ्स तक के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक उतना ही स्टडी किया है, मेरे को उतना ही आइडिया है. उसके बाद यहाँ पर नेदरलैंड्स में 0 to 14 मंथ्स के बाद 4 ईयर्स पे वैक्सीनेशन लगती है, बीच में कोई वैक्सीनेशन नहीं लगती है. बट इंडिया में 14 मंथ से लेकर 4 ईयर्स तक जो ऑलरेडी 14 मंथ्स तक वैक्सीनेशन लग चुकी होती है उनके काफ़ी एक और बूस्टर्स लगते हैं जो कि नेदरलैंड्स में नहीं लगते हैं. तो बस एक इतना डिफरेंस है, बाकी मोस्टली 4 ईयर्स के बाद का वैक्सीनेशन जो डिफरेंस रहता है प्रोग्राम, वो मैंने स्टडी नहीं किया है, वो मुझे अभी नहीं पता है. तो इतना मैं 4 ईयर्स तक का आपको अभी मैं इस वीडियो में डिफरेंस कवर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट आई विल गो थ्रू द नेदरलैंड्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर बेबीज. जो नेदरलैंड्स में वैक्सीनेशन होती है वो बेबीज को 3, 5, 11 मंथ्स तीन टाइम पे सेम वैक्सीनेशन. वो क्या क्या डिजीजेस कवर करती है? डायफ्थेरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, पोलियो, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी इज अ वायरस दैट कैन कॉज यू नो लिवर डिजीज, पीसीवी, न्यूमोनिकल डिजीजेस. सो ये सारे डिजीजेस वो कवर कर 14th मंथ में जो नेदरलैंड्स में लगती है वैक्सीनेशन वो है MMR विच इज अगेंस्ट मीजल, मम्स एंड रुबेला. सो वो ये होता है नेदरलैंड्स का. नेदरलैंड्स फॉलो करता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम NIP प्रोग्राम. तो नेदरलैंड्स में ये फॉलो होता है फॉर वैक्सीनेशन. इंडिया में ये सारी वैक्सीनेशन लगती ही लगती है जो नेदरलैंड्स में लगती है, बट इंडिया में कुछ एडिशनल वैक्सीनेशन लगती है इन सब के अलावा. सो लेट्स कवर दोज. सो फर्स्ट होती है रोटा वायरस वैक्सीनेशन. सो रोटा वायरस वैक्सीनेशन इंडिया में लगती है, यहाँ पर नहीं लगती है. नेदरलैंड्स में सारी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है. इंडिया में आई थिंक वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, वहाँ पर तुम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग कॉस्ट होती है जो तुम्हें पे करनी होती है. यहाँ पर जो मैंने आपको ये वैक्सीनेशन कवर करी है ये सारी नेदरलैंड्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है. अब जो डिफरेंट जो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो डिफरेंट है वो है रोटा वायरस वैक्सीनेशन जो इंडिया में लगती है, नेदरलैंड्स में नहीं लगती है. नेदरलैंड्स में अगर तुम्हें रोटा वायरस चाहिए तो इट इज़ पेड और तुम्हें अपने जनरल प्रैक्टिशनर से रिक्वेस्ट करना होता है, अपने GP से जिससे तुम रजिस्टर्ड होते हो. फिर आपका GP आपको एपोथीक से आपका जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि आपको वहाँ पे करके यहाँ से कलेक्ट करनी है. नेदरलैंड्स में इसकी 2 डोजेज वाली होती है रोटेरिक्स एंड इंडिया में आई थिंक दूसरा ब्रांड होता है तो उसमें 3 डोजेज होते हैं रोटा वायरस के. तो नेदरलैंड्स में जो ब्रांड मिलता है उसके 2 डोजेज होते हैं जो लगता है 2nd and 4th month में. एंड इसमें मतलब बहुत पर्टिकुलर होता है कि तुम्हें इसी टाइम में लगाना होता है, इसी टाइम में नहीं लगाना होता है. बट हाँ, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर. दिस वीडियो इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि आपके पास सारा डेटा रहे. बट हाँ, आप कोई भी वैक्सीनेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए. तो ये रोटा वायरस जो वैक्सीनेशन होती है वो ओरली दी जाती है, मतलब लिक्विड आता है. तो मतलब अब तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे बहुत स्पिट आउट करते हैं, बहुत उस टाइम पे बहुत छोटे होते हैं. तो लाइक आई रिमेम्बर कि जब हमने प्रेशा को दिया था तो उसने मतलब आधा लिक्विड पिया था, आधा तो उसने स्पिट आउट ही कर दिया था. तो वो चीज़ मतलब थोड़ा वो होता है, मतलब थोड़ा ये डिस्क्लेमर होता है कि क्योंकि ओरली होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हाँ मतलब बच्चे सारी वो वैक्सीन पी रहे हैं अंदर कि नहीं पी रहे. तो ये है फर्स्ट वैक्सीनेशन रोटा. सेकेंड इज BCG. सो BCG ऐसा नहीं है कि नेदरलैंड्स में नहीं लगती है, लगती है. बट इंडिया में जब बेबी बॉर्न होता है तो हॉस्पिटल में फर्स्ट थिंग वो लोग करते हैं कि बेबी को BCG वैक्सीनेशन लगा के ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है. इंडिया में न्यू बॉर्न को ही सबसे पहले BCG वैक्सीन लगती है. BCG वैक्सीन होती है ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर
उतना ट्यूबरक्लोसिस नहीं है तो नेदरलैंड्स में इट्स एन ऑप्शनल वैक्सीन, तो ये भी बीसीजी यहाँ पर पेड नहीं होती है, रोटा वायरस यहाँ पे पेड होती है एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन नेदरलैंड्स, बट बीसीजी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट इसका आपको इनवाइट आता है जीजीडी से। तो बाकी सारी जो मैंने आपको वैक्सीनेशन बताई 3, 5 and 11 मंथ्स की, वो आपको लगती है कंसल्टेंसी ब्यूरो पे। अगर आप नेदरलैंड्स में रहते हैं तो आप एक कंसल्टेंसी ब्यूरो, आपके बच्चे हैं तो आप कंसल्टेंसी ब्यूरो से रजिस्टर्ड होते हो, जो आपके बच्चे का ग्रोथ चार्ट और मतलब बच्चे का रेगुलर चेकअप करते हैं, बच्चे की वैक्सीनेशंस जो वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करते हैं। सो अगर बट बीसीजी होती है वो कंसल्टेंसी ब्यूरो नहीं देते, वो बीसीजी वैक्सीन आपको ट्यूबरक्लोसिस का ही, यहाँ पर एक अलग से सेंटर है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो वो आपको ये वाली वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपको इनवाइट लेटर भेजते हैं घर पे पोस्ट बॉक्स पे, तो इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है कि इसी पीरियड में आएगा, बट ऑलमोस्ट मैंने जनरली जितना नोटिस किया है कि यहाँ पे बच्चों को वो इनवाइट लेटर मोस्टली 4-5 months के अराउंड आता है। तो हम लोग को भी इनवाइट लेटर आया था इसका, बट क्योंकि जब इनवाइट लेटर, जब हमारा डेट था तब ऑलरेडी हम लोग इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये वाला वैक्सीनेशन फिर इंडिया में ही ले लिया था, क्योंकि इसका सिंगल डोज होता है, तो इट डजेंट रियली मैटर कि कहाँ पर लो, तो हमने ये इंडिया में ले लिया था। बट आपको इस वैक्सीनेशन के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी ये वैक्सीनेशन लगती है उसके बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आफ्टर 1 month आती है। तो अगर आपने बीसीजी नहीं लिया है एंड अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो फिर इंडिया जाके वैक्सीनेशन ले रहे हो, तो 1 month बाद इम्यूनिटी आएगी। तो वो वन मंथ के पीरियड में बेबी की बॉडी में वो इम्यूनिटी ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट नहीं है। तो ये चीज़ आप मतलब कंसिडर करके चलो, अगर आप मतलब यहाँ पर नेदरलैंड्स में ले रहे हैं, अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि जब आपने बीसीजी वैक्सीनेशन यहाँ पर लिया है उसके 1 month बाद आप ऐसी कंट्रीज में ट्रैवल प्लान कर सकते हैं जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस है। 3 vaccination ऐसी होती है जो यहाँ पर देते ही नहीं है नेदरलैंड्स में, लाइक टाइफाइड, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस ए। तो ये तीनों वैक्सीनेशन नेदरलैंड्स में नहीं दी जाती है। तो इन तीनों वैक्सीनेशन का जब भी हम इंडिया जाएंगे नेक्स्ट, तो हम लोग प्रेशा के लिए तब पता करेंगे और तब ये प्रिशा को वैक्सीनेशन हम लोग, अगर वो उस टाइम पीरियड में कि मतलब किस मंथ में दी जाती है, अगर वो उसमें कवर करेगी तो हम उसको तीनों वैक्सीनेशन इंडिया में दिलवाएंगे। तो तीनों वैक्सीनेशन अगर आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं तो इंडिया में जाकर डॉक्टर से अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीनेशन आपके बच्चे को दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं, कब दे सकते हैं। सो इसके अलावा मोर और लेस इंडियन नेदरलैंड्स का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सेम है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना इवेल्यूएट कर सकते हैं एंड मतलब देख सकते हैं कि आपको बच्चे को, आप जब इंडिया ट्रैवल करते कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बेबीज़ के लिए पीडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लेके इन वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि नेदरलैंड्स और इंडिया में वैक्सीनेशन के नाम बहुत डिफरेंट होते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, मतलब वहाँ पे भी डॉक्टर्स उतना समझ नहीं पाते कि नेदरलैंड्स में आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब है, देन थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू, बाय बाय।